एंड इट्स द मॉर्निंग ऑफ 15th अप्रैल 2022 और कला आरंभ के सभी आर्टिस्ट गुलमर्ग जाने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल ब्रेकफास्ट हो चुका है, इंस्ट्रक्शन मिल रहे हैं हमारे मेंटर आर्टिस्ट की तरफ से सभी को। आप स्ट्रेंथ देख सकते हो यहाँ पर, जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूँ, कश्मीर की अब तक की सबसे बड़ी आर्ट वर्कशॉप और इसे ऑर्गेनाइज करना ही बड़ा एक चैलेंज था, लेकिन जो टीम है कलारंभ की वो हर मुमकिन कोशिश कर रही है कि अच्छे तरीके से इसे चलाया जाए। और सभी पार्टिसिपेंट से हमने बात भी की, सबका जो एक्सपीरियंस है वो अमेजिंग है। सभी को अपने अपने बस नंबर दिए गए हैं और अपनी अपनी बस में अभी सभी बैठेंगे, तो मिलते हैं अभी गुलमर्ग में। पार्टिसिपेंट्स बस में बैठ चुके हैं और हमारी सभी बसेस रेडी हैं जाने के लिए। सभी गेस्ट आर्टिस्ट, मेंटर आर्टिस्ट, सभी पार्टिसिपेंट्स रेडी हैं निकलने के लिए। और कश्मीर में अगर बुलेट की राइड मिल जाए तो बात ही क्या। तो कश्मीर से रिजवान हमारे साथ जुड़े थे, जिनकी बाइक का खूब आनंद में बस में भी जो है मेंटर आर्टिस्ट गाइड कर रहे हैं पार्टिसिपेंट्स को और कोई भी टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं। पूरा घेरा बनाकर खड़े हैं, सर को घेरा हुआ है और पूरा फायदा उठा रहे हैं जो वर्कशॉप है उसका। तो यही जो जज्बा है, यही एनर्जी है, ये बनी रहनी चाहिए, कायम रहनी चाहिए। डॉक्टर जोशना मैम कल आए थे, तो इन्होंने ये पहले काम किया था, आप देख सकते हैं। फिर हमने शाम को रिव्यू किया था, थोड़ा रिव्यू करने के बाद हम क्या चाहते हैं और कैसे लूज इफेक्ट, क्या रैंडम हो सकता है, किस तरह से वाटर कलर चलता है, मैम थोड़ा सा समझ के गया। उसके बाद आप रिजल्ट देख सकते हैं कि कितना अच्छा काम किया। मुझे विश्वास नहीं हो रहा, इतना अच्छा, इतना सॉफ्ट, क्या टाइमिंग, सब इससे इससे क्या महसूस होता है, क्या जान सकते हैं कि हम हर एक कोई कर सकते हैं, अपने इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। बस आपको बताना है क्या करना है उसके लिए। इस तरह से रेसिडेंशियल वर्कशॉप के अंदर आपको कितना समय मिला, देखो अभी बस में भी समय मिल रहा है, हम डिस्कस कर रहे हैं, दिखा पा रहे हैं। आपके अंदर अगर सीखने का इच्छा है तो आप बिल्कुल सीख सकते हैं। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा काम किया मैम आपने, तो मैम को भी आप पूछ सकते। तो मैं आपको बता देता हूँ, ये डॉक्टर जोशना जी हैं, इन्होंने ये वर्क किया है। कल पेंटिंग जो ऑन प्लेन एयर पेंटिंग की थी वो कुछ इस तरह से थी और उसके बाद शाम को रिव्यू होता है, फीडबैक मिलता है। तो फीडबैक मिलने के बाद जो रात को वर्क डॉक्टर जोशना जी ने किया वो ये है, देखिए क्या कितना खूबसूरत है, मतलब एक नजर में देखते ही प्यार हो जाए, ऐसा काम इन्होंने किया है। तो जानना चाहेंगे डॉक्टर जोशना जी से कि कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस, आपने एकदम जो ये चेंज किया है, दिन में कुछ और काम और शाम को ही दुनिया पलट दिया आपने, तो ये कैसे पॉसिबल हुआ? एक तो मैंने किसी से फॉर्मली सीखा नहीं है पेंटिंग, वो सब ऐसे यूट्यूब के वीडियोस या किसी से पूछ के सीखा है। पर पहली बार ये वर्कशॉप में आके अचिंत्य सर का टेक्निक देख के थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया, वेट ऑन वेट क्या है, कब ड्राई ब्रशिंग करना है, कब थिक पेंट यूज करना, कब थिन पेंट यूज करना है, तो ये वॉश कैसे देते हैं, ये सब चीज़ें एक बार देख के मैं भी करना चाहती थी कि अब एक दिन में एक पेंटिंग करेंगे तो कैसे सीखेंगे, हम सिर्फ पेंटिंग ही तो करने आए हैं इस वर्कशॉप में। तो वापस रूम जाके मैंने सोचा एक मैं भी ट्राई करती हूँ कैसे आ सकता है, तो इसीलिए मैंने सोचा कि करके देखती हूँ, अगर आया तो आया, नहीं तो कल पूछ लेंगे सर से कैसे करना है। बस
थैंक यू डॉक्टर ज्योत्सना जी, अच्छा लगा आपका एक्सपीरियंस सुनकर। और खूबसूरत वादियों का आनंद लेते हुए पहुंच गए हम गुलमार्ग। और कला आरंभ, गुलमार्ग पहुंच चुका है। सिकंदर सर पहुंच गए हैं बाइक पर, पूरा राइड को एंजॉय करते हुए। सर कैसा रहा? कश्मीर का आनंद लेना तो बाइक पर है ना। सही बात। अभी कलारंभ की पूरी टीम पहुंच चुकी है गुलमार्ग, जो कि नहायत ही खूबसूरत जगह है। क्या खूबसूरती है। और अभी गुलमार्ग आर्मी कैंप एरिया में आ चुके हैं। जैसे कि आपको पता ही है कि पूरा सपोर्ट और सिक्योरिटी मिल रही है कल आरंभ को इंडियन आर्मी से। चलो। तो हमने प्लान किया कि कश्मीर का, क्योंकि कश्मीर का ऐसा है कि इतना अच्छा खूबसूरत ऑल इंडिया में नहीं है जितना खूबसूरत है। तो पूरा इंडिया कितना और जैसा कि आप सभी देख रहे हैं आर्मी कैंप में हमारा चाय नाश्ता हुआ और उसके बाद सभी चल दिए प्लेन एयर पेंटिंग के लिए। ये हमारी कश्मीरी चाय है, एकदम एकदम नमकीन। हेलो और आगे की कहानी आप प्यारी सी चिड़िया की जुबानी सुनेंगे। उसके बाद सभी कलाकारों ने अपनी अपनी मनपसंद की लोकेशन पर जाकर पेंटिंग की और सभी बहुत दूर दूर बैठे थे इसलिए कवर करना बहुत मुश्किल था, लेकिन खूबसूरती आप देख ही रहे हो और बहुत बड़ा एरिया था और बहुत इंजॉय किया सभी कलाकारों ने इस सुंदर गुलमार्ग में पेंटिंग करना। और सारी व्यवस्था करने के बाद हमारे मेंटर आर्टिस्ट निशिकांत पलांडे सर को भी कुछ वक्त मिला पेंट करने का और बहुत अच्छी लोकेशन पर उन्होंने गोश कलर से पेंटिंग की।
उसके बाद आर्मी कैंप में ही आधिकारिक रूप से प्लेन एयर पेंटिंग की समाप्ति हुई। आप देख सकते हो निशिकांत सर, अचिंत्य सर, विक्रांत सर, विजय विश्वाल सर, सिकंदर सर, अमोल पवार सर, सभी ने कितनी सुंदर सुंदर पेंटिंग्स वहां पर बनाई। हमें सपोर्ट कर रहे हैं, एक अच्छी बात है कि इस तरह से सपोर्ट मिल रहा है हमें, जहाँ भी गया एक सपोर्ट कर भी पहल जा रहे हैं। वहाँ पर कर्नल विनोद साहब शायद इंतजार कर रहे हैं, तो हम तो बहुत बड़ा कुछ नहीं दे सकते, बस हमारे पास छोटा सा एक निशानी दे के जा सकते हैं, हम एक छोटा सा यादगार। थैंक यू वेरी मच। और अचिंत्य सर ने अपनी बनाई हुई पेंटिंग आर्मी कैंप में गिफ्ट की, और उसके बाद आते हुए जो मस्ती की वो आप आगे देख सकते हो। बस एक ही झलक हो गए हम पागल, आया दिल में हुई हलचल, देखते ही एक ही झलक हो गए हम पागल, अल्लाह ने मुलाकातें हमसे भी तो होगी, अरे हमसे मिलेंगे वो आज नहीं तो कल, सामने लो लो आंखों में तुम्हार जादू, नदी से आया है कोई जादूगर, ओ यूं ही फिसल गए, हाल कैसा है जनाब का बता जो बस लेते हुए ना मर जाए मिट जाए हो जाए बदनाम, रहने दो छोड़ो जाने दो यार हम ना करेंगे प्यार। हाँ, लास्ट वाला करो। अता और एक आगे वाला सुनो। ये बंद है ना भाई। नहीं, अगर सागर नया सागर कोई ले ले, मेरे खुदा दिल से कोई किसी के न खेले, टंग टंग चढ़ंग टंग 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 टंग, टूटे अगर सागर नया सागर कोई ले ले, मेरे खुदा दिल से कोई किसी के न खेले, दिल टूट जाए तो क्या हो अंजाम, ये जो मोहब्बत है ये उनका है काम। आप कला आरंभ के जो आर्टिस्ट हैं उनकी डेडिकेशन देख सकते हो। हम गुलमार्ग से वापस आ रहे हैं और यहाँ पर बस में बैठकर भी स्केचिंग कर रहे हैं ये, और बहुत ही अच्छे से स्केचिंग किया है इन्होंने, ये इनकी की है। और ये जो हमारे ड्राइवर है उनका पोर्ट्रेट जो है मंजूर जी का, इन्होंने देखिए बिल्कुल आप सिमिलैरिटी देखिए यहाँ पर, इट्स एन अमेजिंग वर्क। और से देखिए इस गिफ्ट रैप को, ये कोई साधारण गिफ्ट रैप नहीं है, हालांकि इसमें साधारण डेरी मिल्क होगी, हो सकता है कि इसमें साधारण ड्राई फ्रूट भी हो सकता है इसमें ट्रॉपिकाना भी हो, लेकिन ये कोई साधारण गिफ्ट रैप नहीं है, ये बवाल मचा देने वाला गिफ्ट रैप है। इसके पीछे एक बहुत ही दिल दहला देने वाली कहानी छिपी है, और वो हम आपको बताएंगे इनकी जुबानी बहुत नहीं। जल्दी इसके लिए बने रहिए करारम के साथ।